फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, बहुत ही ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। यदि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि ये जो चैनल है मिशन रिजल्ट, इस पर बहुत ही ओरिजिनल पेपर आ रहा है और पहले भी हम इस पे डाल चुके हैं, जैसा कि आप पहला वीडियो हम जाके देख सकते हैं। ठीक, इसमें हम 80 क्वेश्चन कराएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हम 80 क्वेश्चन कराएंगे जिसमें से आपको 40 आंसर देना है। ये आप टेस्ट के तौर पर भी ले सकते हैं। आप यदि इसमें से 50 क्वेश्चन यदि आप बना देते हैं, कभी आप टेस्ट देख देखिए, यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 50 क्वेश्चन बना दीजिए। ठीक, तो यानी कि सेंटर पे आप जाइएगा तो आपसे 40 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक, यदि इसमें से आप 50 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, यदि 30 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, 50 क्वेश्चन आंसर यदि इसमें से दे देते हैं तो आपको से 40 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। और यदि आपका तैयारी नहीं है तो इस चैनल से तैयारी जरूर कीजिए। आप जाके कम्युनिटी में आप देख सकते हैं या पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, इससे बहुत अच्छा हम क्वेश्चन लड़ाए हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें इसे आप टेस्ट के तौर पे ले सकते हैं या तैयारी के तौर पे ले सकते हैं। ठीक, तो आप इससे तैयारी जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, और सभी सब्जेक्ट का ऐसा ही वीडियो आएगा A to Z, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आप इस चैनल पर नए हैं। तो चलिए पहला का देखते हैं, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जो जनन अंग होते हैं वो पुष्प में पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक, यदि आपका सही था तो अच्छी बात है, और गलत था या इसका मतलब आपका तैयारी ठीक से नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं फरवरी तक पूरा एकदम तैयारी करवा दूंगा। ठीक, तो चलिए 2 नंबर देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है बताइए। तो ये होता है हरे पौधे में, तो यानी 2 का D हो जाएगा। ठीक, 3 नंबर देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो किससे बाहर निकलता है, तो 3 का A हो जाएगा, जल से। ठीक, 4 नंबर देखते हैं, वीडियो को रोक के भी आप याद नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को रोक के भी दे सकते हैं, हम तो जल्दी जल्दी करा देंगे। 80 क्वेश्चन मैं टोटल यहाँ पे अभी कराने वाला हूँ। ठीक, अगला देख लेते हैं, जल्दी जल्दी अब देखते हैं, क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। ठीक, और आप अपना गिनते जरूर जाइएगा आप कितना सही बनाए। ठीक, 4 देखते हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा था, आपका सही कितना हुआ है। ठीक, चलिए 4 नंबर का है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियाँ वो कहाँ पाई जाती है, तो अमाशय में। ठीक, 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। 6 नंबर देखते हैं कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पे बता सकते हैं, अवायवीय हो जाएगा, 6 का B हो जाएगा। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 का B हो जाएगा, प्यूट्रिटी ग्रंथि। ठीक, 8 नंबर देखते हैं, पौधों के वायवीय भागों में जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो आप बता सकते हैं, तो ये कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक, याद कर लीजिए, घेघा रोग कैसे पनपता है, तो ये आयोडीन की कमी के कारण पनपता है। ठीक, 10 नंबर देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, बार बार पूछता है। ठीक, 10 नंबर देखते हैं, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं। चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं, तो 10 का A हो जाएगा, प्लाज्मा। ठीक, 11 नंबर देखते हैं, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, तो आप बताइए, आपको याद होगा तो आपको बताइए, तो इसको कहते हैं रिफ्गोलोमोमीटर। ठीक, रिफ्गोलोमैनोमीटर। ठीक, तो आप वो याद नहीं होगा तो बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है, 12 नंबर। ठीक, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है पौधों में होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक, आप अपना देखते जाइएगा कितना सही आपका हो रहा है। ठीक, अगला देखते हैं, 13 नंबर, निम्नलिखित में से किससे खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो 13 का क्या हो जाएगा C हो जाएगा, तिलचट्टा। ठीक, 14 नंबर देखते हैं, रक्त क्या है, तो आप बताइए, रक्त एक ऊतक है। ठीक,
15 नंबर देखते हैं, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, किस वर्णक के कारण होता है आपको पता है तो आप बताइए, जरूर बताइएगा। तो 15 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 का सी हो जाएगा, ठीक, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो 16 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, ठीक। तो 16 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो 17 का क्या हो जाएगा, यकृत से, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि जैव, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो 18 का क्या हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा, DDT, ठीक। तो यहाँ पे ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ये 18 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर शाकाहारी, ठीक। अगला 19 नंबर देखते हैं, इसमें से बहुत ही धीरे धीरे क्वेश्चन भी करा रहे हैं और एक बैग हम आंसर बता दे रहे हैं, ठीक। आप अपना देख लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है और इसे याद भी करते जाइए, प्रैक्टिस सेट भी इसको मान सकते हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, 80 में से हम कितना आंसर दिए हैं, ठीक। 20 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से एक भूमिगत जल का उदाहरण है, भूमिगत जल का उदाहरण क्या है, तो 20 का क्या हो जाएगा, जो भूमि के अंदर रहता है, तो एक का क्या आंसर हो जाएगा, कुआं हो जाएगा, इसका 20 का ए हो जाएगा, ठीक। 21 नंबर देखते हैं, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो जीवों का विकास क्या कहलाता है, तो डार्विनवाद कहते हैं, ठीक है। हरे पौधे जो होता है वो क्या कहलाता है, आप बता सकते हैं, बहुत ही इजी चीज है, इजी क्वेश्चन है, तो ये क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है, ठीक। अगला देख लेते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन कि अंडोत्सर्जन का कारण क्या है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, LH, ठीक। आपका कितना सही हुआ, आप मिला रहे हैं तो आप देखते रहिएगा, आप बता रहे हैं तो, ठीक। 24 नंबर का देख लेते हैं, बोल रहा है कि लैंगर हैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, तो अगर न्यासे में पाई जाती है, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है, तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 का डी हो जाएगा, आयोडीन, ठीक। 26 नंबर देखते हैं, निश्चल कन्निकाएँ पाई जाती है, तो निश्चल कन्निकाएँ कहाँ पाई जाती है, तो न्यूरॉन में पाई जाती है, ठीक। 27 नंबर देख लेते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मानव मस्तिष्क का वेट कितना होता है, द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, तो कितना होता है आपको पता है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ, ठीक। तो 27 का क्या हो जाता है, हो जाएगा यहाँ 1.2 से 1.4 kg, 100 ग्राम ज़्यादा होता है स्त्री से, ठीक। 28 नंबर देखते हैं, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का डी हो जाएगा, वास्तविक उल्टा, ठीक। अगला देख लेते हैं, 29 नंबर, साइड मिरर के रूप में निम्न में से कि कौन प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, उत्तल दर्पण, और क्यों होता है साइड मिरर में, छोटा प्रतिबिंब को देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा तो फिर पूरा दिखेगा ही नहीं, ठीक। 30 नंबर देखते हैं, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सभी होता है, भासी, सीधा, उल्टा, तीनों होता है, ठीक। अगला देख लेते हैं, ऊर्जा का ऐसे मात्रक, जल्दी से बताइए, बहुत ही ईजी चीज है, ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है, ठीक। 32 नंबर देखते हैं, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है, तो किस परिघटना का परिमाण है, तो 32 का बी हो जाएगा, परिकीर्णन, ठीक। 33 नंबर देख लेते हैं, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि दूरी, न्यूनतम दृष्टि दूरी कितना होता है, तो 33 का क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक।
34 नंबर देखते हैं, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर उसकी क्षमता होगी, तो बताइए उसकी क्षमता क्या होगी। तो उत्तल सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर है, तो इसको इसका कितना होगा, डायरेक्टर में चेंज कीजिएगा तो प्लस 2 डायरेक्टर आएगा। ठीक, अगला देख लेते हैं कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, 36 नंबर देखते हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो फोकस दूरी में क्या परिवर्तन किया जाता है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पश्चमावी पेशियों द्वारा। ठीक, 37 नंबर देखते हैं, प्रकाश का परिवर्तन की कितनी नियम है, इसको आप सब्जेक्टिव में भी आएगा तो सब्जेक्टिव इसका भी जरूर रहेगा, तो 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2 होता होगा। ठीक, प्रकाश से परिवर्तन अपवर्तन दोनों का 2-2 नियम होता है। ठीक, 38 नंबर देख लेते हैं, फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है, तो ये क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। ठीक, जल्दी जल्दी करते हैं, आप सही गलत जरूर देखिएगा। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत प्रतीत होता है, तो परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, 39 का क्या हो जाएगा, 39 का ए हो जाएगा, फोकस से। ठीक, 40 नंबर देखते हैं कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी की किरण गुजरे, तो इसका नहीं होगा, इसका क्या नहीं होगा, तो 40 का बी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। ठीक, अगला देख लेते हैं, 41 नंबर देखते हैं, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, कुंडली को घुमाने का मूलतः काम कौन करते हैं, 41 का सी हो जाएगा, गतिमान हवा। ठीक, 42 नंबर देखते हैं, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, तो वायु में शक्ति क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। ठीक, 43 नंबर देखते हैं, निम्नांकित में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो 43 का बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक, 44 नंबर देखते हैं, वक्ता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी क्या होगा, 44 का बी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक, 45 नंबर देखते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश किस अभिलंब से विचलित हो जाती है, तो किस अभिलंब से विचलित हो जाती है, हम बताए होंगे कभी, हमारा पिछला वीडियो आप कभी देखे होंगे कि सघन माध्यम से विरल अभिलंब में जाता है, तो अभिलंब से दूर भागता है। ठीक, 45 का क्या हो जाएगा, 45 का ए हो जाएगा। 46 नंबर देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है वो कोयला है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, आगे देखते हैं कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में से प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, तो 48 का क्या हो जाएगा, 48 का बी हो जाएगा, विक्षेपण हो जाएगा। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारे पास, 49 का क्या हो जाएगा, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट का होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है, दृष्ट धारा नहीं होता है। ठीक, 220 वोल्ट का होता है। जस्ता की परमाणु संख्या, जस्ता की 1 से लेकर 30 तक आप परमाणु संख्या आप जरूर याद करके जाइएगा। ठीक, 1 से लेकर 30 तक कहीं से पूछ देगा, जस्ता का 30 होता है, ZN 30। ठीक, 51 नंबर देखते हैं, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3N2 10S2 होता है, तो ऑप्शन नंबर 51 का बी हो जाएगा। 53 नंबर देखते हैं, निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है, तो 52 का हो जाएगा, 52 का यहाँ पे सी हो जाएगा, NaOH। ठीक, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हेमाटाइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है, तो किस धातु का अयस्क है, तो 53 का बी हो जाएगा, 53 का बी हो जाएगा, Fe। ठीक, 54 नंबर देखते हैं, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा होता है, तो किस विधि द्वारा, तो 54 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ठीक, 55 नंबर देखते हैं, अभिक्रिया 2ZnO2Zn किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये देख लीजिए, ऑक्सीजन का यहाँ संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग होगा तो उपचयन होगा, अब ये तो 55 का ये हो जाएगा, तो बहुत सिंपल है। 56 नंबर देख लेते हैं, 56 नंबर देख लीजिए, ग्लूकोज का जो आण्विक सूत्र है C6H12O6, ये नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 56 का बी हो जाएगा। 57 नंबर देखते हैं, अम्ल का जरिए विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, 57 का हो जाएगा, यहाँ पे सी आयनित होता है। ठीक, 58 नंबर देख लीजिए, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान
है, तो कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, 58 का ए हो जाएगा, 58 का ए हो जाएगा, ठीक। एक 59 देखते हैं, आवर्त सारणी में आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, तो शून्य समूह का तत्व कौन है, तो हीलियम है, एच ही, ठीक। 60 नंबर देखते हैं, निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो एफ एफ है, ठीक। 61 नंबर देखते हैं, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन मुक्त होती है, ठीक। अगला देख लीजिए, हमारा शरीर जो है किस पीएच पे काम करता है, तो 7.0 से 7.8 के बीच, याद कर लीजिए 70-78 याद कर लीजिए, ठीक। 63 नंबर देखते हैं, निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है, तो कौन अम्ल है, 63 का हो जाएगा डी हो जाएगा, H2SO4। आगे देख लेते हैं, निम्नांकित में से कौन संश्लेषित सूचक है, तो जो कौन संश्लेषित सूचक है, तो 64 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज, ठीक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन ये सब है, ठीक। 65 नंबर देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो क्या बनाता है, तो 65 का सी हो जाएगा, कार्बनिक अम्ल, ठीक। 66 नंबर देखते हैं, कॉपर पाइराइट का रासायनिक संघनन है, तो क्या है, 66 का क्या हो जाएगा, 66 का बी हो जाएगा, 66 का बी, CuFeS2, ठीक। 67 नंबर देख लेते हैं, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, धातु क्या है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली, तो सोना है, ठीक। अभी तक आपका कितना सही हो गया देख लीजिएगा, और टोटल आप लास्ट में बता दीजिएगा। निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील का एक चार्ट होता है जो कि आप केमिस्ट्री के बुक में देख सकते हैं, तो वहाँ पे सबसे ऊपर में जाइएगा तो आपको ZN मिलेगा, सबसे ऊपर में, ये चारों में से सबसे ऊपर में मिलेगा ZN, सभी को एक लाइन से याद कर लीजिएगा, और जो सबसे ऊपर रहेगा वही मिलता है, ठीक। वो उसी अभिक्रियाशील उसकी ज़्यादा होती है। 59 नंबर देख लेते हैं, किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या इतनी होती है, कोई भी एलिमेंट है, ठीक, उसका परमाणु संख्या लिखे 20 है, कोई भी है, 20 तो आ जाएगा, आ जाता है धातु, कोई अधातु की कोई के लिए, ठीक, जैसे मैं 8, 3, 10, 4, 14 ले लेते हैं, 14 सिलिकन का, ठीक। तो इसको निकालेंगे तो बाह्यतम कदम में 4 आएगा, यानी कि मतलब कि धातु है कि अधातु, तो ये अधातु हो गया, तो 4, 5, 6, 7 तक ले आता है तो अधातु होता है, ठीक। बाह्यतम लास्ट में 4, 5, 6, 7 आया तो यानी अधातु है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। 70 नंबर देख लेते हैं, पीतल निम्नांकित में से किनकी मिश्र धातु है, तो 70 का क्या हो जाएगा, Cu+ZN, ठीक। 71 नंबर देखते हैं, निम्नांकित में से कौन समावयवी है, तो कौन समावयवी है, तो 71 का सी हो जाएगा, 71 का सी हो जाएगा, एथिल एल्कोहल और डाइमेथिक इथर, ठीक। 72 नंबर देखते हैं कि CH3O C2H5 IPSC के अनुसार क्या है, तो IPSC के अनुसार क्या है, 72 का क्या बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो 72 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, कार्बन एक है, यहाँ कार्बन दो है, तो इसका क्या हो जाएगा नाम, मेथेन एथेन प्रोपेन, तीन है तो प्रोपेन, तो प्रोपॉक्सीमेथेन, ठीक। ऑक्सीजन है तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोपेन मिल गया, और ऑक्सीजन और मेथेन, प्रोपेक्सीमेथेन हो गया, ठीक। 53 नंबर देख 73 नंबर देखते हैं, लोहे की अभिक्रिया भाप के कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो 73 का क्या हो जाएगा, 73 का ए हो जाएगा, Fe3O4, ठीक। 74 नंबर देखते हैं, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है, तो 74 का क्या हो जाएगा, 74 का यहाँ पे देख बताइए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, 16, ठीक। 75 नंबर देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो 75 का क्या हो जाएगा, 75 का सी हो जाएगा, Cu, ठीक। 75-76 देख लेते हैं, एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% टीन, तो मिश्र धातु का नाम है बताइए, यहाँ से Cu और टीन मिलके यहाँ पे क्या बनाता है, तो ये ब्रोंज बनाता है, ब्रोंज, ठीक। 77 नंबर देखते हैं, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, तो 77 का क्या हो जाएगा, 77 का सी हो जाएगा, H2 और O2 गैस दोनों, ठीक। 78 नंबर देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर
गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन में ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करती है, तो 78 का क्या हो जाएगा? 78 का यहाँ बता दीजिए, 78 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए जी, ठीक। और यहाँ पे 77 का क्या बताते हैं? 77 का भी सी हो जाएगा, ठीक। 77 का यहाँ पे ए हो जाएगा, 77 का ए हो जाएगा, H2 गैस, ठीक। और 78 का सी हो जाएगा, सही है, ठीक। 79 नंबर देखते हैं, हाँ 78 देख लेते हैं। 78 है क्या? निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर किए जाने पर ऑक्सीजन में संयोग नहीं करती है, जाने पर भी ऑक्सीजन में संयोग नहीं करती है? 78 का क्या हो जाएगा? 78 का सी हो जाएगा, ठीक। 79 नंबर देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं, तो 79 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गैंग कहलाता है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और सभी का आप बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, और उसके अनुसार आप तैयारी जरूर कीजिएगा, ठीक। चैनल पर जुड़े रहिएगा, सभी पांचों सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे, लास्ट में इंग्लिश का भी तैयारी करवा देंगे, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आएगा, 2-3 दिन में सब्जेक्टिव का भी वीडियो डालने वाले हैं, केवल VBI जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं? धातु के तार बनाए जाते हैं, कौन गुण रहता है जो धातु के तार ही बनाए जाते हैं, क्या गुण है उसमें? तो क्या हो जाएगा? 80 का बता दीजिए, तो तन्यता रहता है, ठीक, तन्यता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।